लुईस कहती हैं, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए और किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको इन पांच चीज़ों को करना चाहिए। सबसे पहले बी थैंकफुल। आप अपनी जिंदगी में जितनी भी चीज़ों को देख रहे हैं, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, आपकी हेल्थ, आपका घर, आपका परिवार, सभी चीज़ों के लिए थैंकफुल रहिए। इस यूनिवर्स को धन्यवाद करते रहिए, हर एक चीज के लिए थैंकफुल रहिए। दूसरी चीज है लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करें। ये बहुत ही जरूरी और ताकतवर एहसास है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप खुद से प्यार करें। जब तक आप खुद अपने आप को पसंद नहीं करेंगे, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग आपको पसंद करें। कभी आपने छोटे बच्चों को देखा है? वे अपने लुक्स के बारे में कभी नहीं सोचते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करके अपने लुक्स को बदलने में लग जाते हैं, और धीरे धीरे यह बातें उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगती हैं और वे अपने आप को पसंद करना बंद कर देते हैं। और हमारे साथ भी यही होता है, ज्यादातर लोग अपने आप को पसंद करना ही बंद कर देते हैं और चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें। तीसरी चीज है डू अफर्मेशन। अफर्मेशन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और यह बहुत जरूरी है कि आप अफर्मेशन करें। अफर्मेशन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो आपको नेगेटिव विचारों को चुनौती देने और दूर करने में मदद कर सकते हैं। जब आप उन्हें बार बार दोहराते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं। अफर्मेशन से आप कोई भी चीज बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप अफर्मेशंस लिखें, उन्हें पढ़ें और बोलें। अपने आप को मिरर में देखकर पॉजिटिव बातें करिए। यह बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चौथी चीज है बिलीव इन योरसेल्फ। बहुत से लोगों को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता, वे मानते हैं कि उनकी लाइफ कभी भी नहीं बदलेगी, और बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि अफर्मेशंस काम नहीं करते। उन सभी लोगों को अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि आप सभी पॉजिटिव अफर्मेशंस को एक दिन में कितनी बार रिपीट करते हैं और नेगेटिव विचारों पर कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। आपको जवाब मिल जाए। आप जो भी बातें दिन भर में बोल रहे हैं, उसका ध्यान रखें। उससे आपकी वाइब्रेशंस बन रही हैं और उसी तरह की कंडीशन को अपने साथ ला रही हैं। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए। अफर्मेशंस जो आप बोलते हो, उस पर विश्वास। आखिरी और पांचवी चीज है कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। बहुत से लोगों की यह आदत होती है कि जब उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो वे लोग अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, और जब उनके साथ कुछ गलत होता है, तो वे उसे लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं और मजबूरी में उन्हें अपने आप को बदलना पड़ता है। इसलिए अगर आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, क्योंकि जब आपकी लाइफ में कोई खराब सिचुएशन आएगी, तो आप उसके लिए इमोशनली तैयार रहेंगे, उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा।